और शायद आपने कभी कभी खुदा के सामने बोला होगा, खुदा मुझे पाप से दूर कर। और खुदा ने पाप से दूर करने के लिए आपके साथ क्या किया पता है? आपके लोगों को ही आपसे अलग कर दिया और आप रो रहे हैं, ये क्या हो गया? खुदा कह रहा, तूने तो कहा था पाप से दूर कर, मैंने लोगों को ही दूर कर दिया। और इसी के लिए जब आपने कहा खुदा मुझे बदल दे, खुदा ने योग्यता दी, लोगों ने एक तरीके से आपको अलग कर दिया। आप अकेले पड़ गया, आप रो रहे, मैं अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया। अरे बढ़िया तो है, पहले झूठ में रहता था, पाप करता था, गलत चीजें बोलता था, गलत काम करता था, गलत तरीके से है ना कार्यों को करता था। अभी अकेला हूँ, अभी और कोई नहीं है। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय उसका 3रा वाक्य एक साथ मिलके हम लोग पढ़ेंगे। Exodus chapter 12 verse number 3, निर्गमन की किताब 12वां अध्याय उसका 3रा वाक्य आप मिलके पढ़ना चाहते हैं तो आवाज उठ के उठा के पढ़ सकते हैं। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार, घराने पीछे एक एक मेमने ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणी की गिनती के अनुसार एक मेमने ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। ये पवित्र हाथों को जरा जिंदा खुदा के सामने उठाइए। फिर खुदा ने आपको हाथ दिया है तो जरा खुदा के सामने उठाइए। प्रेज लॉर्ड, लिफ्ट इट अप टू जीसस, लिफ्ट इट अप टू जीसस, लिफ्ट इट अप टू जीसस। अगर दो दिया है तो दो उठाइए, लिफ्ट इट अप टू जीसस। कम ऑन चर्च, लिफ्ट इट अप टू जीसस। पवित्र हाथों को उठाई, कम ऑन चर्च। आप आज कई चर्चों में लोग पादरियों से मिलने जाते हैं, मैं चाहता हूं आज आप यीशु से मिल के जाए। कम ऑन चर्च, हमने गाना गाया है, मेरा खुदा है सबसे सुंदर, 10,000 में और हजारों में। आज आप कोई पास्टर से मिलने नहीं आए, आज आप कोई वर्शिप टीम से मिलने नहीं आए, आज आप यीशु से मिलने आए। उसके अलावा आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता है। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर होली हैंड्स, चर्च लिफ्ट अप योर होली हैंड्स। रबा शेख अंदला रबा शेख, लिफ्ट अप योर होली हैंड्स। बढ़िया प्रचार आज आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा, आज आपको छुटकारा एक ही व्यक्ति देगा और वो यीशु है। तो आज मांगिए उस यीशु को, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो सब बदल सकता है, वो सारे विषयों को तोड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रचार के भीतर, प्रचार से पहले, प्रचार के बाद तुझे खाली ना जाना पड़े उस प्रकार से। अपने हाथों को फैला के खुदा से मांग ले, इस मंडली के अंदर खुदा तेरे लिए कुछ कर रहा है। अपने आप को आज रोकना मत, कुछ पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड, तेरे और मेरे विचार से पहले खुदा कार्य कर सकता है। तू वेट कर रहा है, प्रचार शुरू होने के बाद एक छुटकारा होगा। मैं तुझे कह रहा हूं, प्रचार शुरू होने से पहले कोई यहां पे उतर चुका है, जूड़ा का शेर यहां पे उतर चुका है। जीसस, पवित्र आत्मा हम कहते छूने के लिए, पवित्र आत्मा हम कहते कुछ मंडलियों को छू ले परमेश्वर, कुछ लोगों के भीतर तेरा काम शुरू हो जाए आज इस रात के समय, आज इस शाम के समय। कुछ खालीपन, कुछ सूखे हुए विषय, कुछ गिरे हुए विषय, कुछ हारे हुए विषय आत्मा के मंडलों में खोल दे हम प्रार्थना। रीबंदला रबा शथाला रबा है दे। कम ऑन चर्च, रबा बा शथाली रबा। चर्च अपने आप को रोको मत, कुछ जगहों पे कुछ बंधन खुल जाए आज यीशु के नाम से, कुछ मंडल खुल जाए यीशु के नाम से। Come on, sorry, but thala rabashe khandale rebeke.
Oh, we praise your name, Lord Jesus. We praise you, Abba Father. Jivit Khuda, apni mahima ko hamare bhitar undela. Oh, hum declare karte deliverances abhi Yeshu ke naam mein hona shuru ho jaye. Deliverances hona shuru ho jaye, Khuda Baba. Deliverances hona shuru ho jaye, Parmeshwar. Deliverances shuru ho jaye, Parmeshwar. Deliverances shuru ho jaye, Parmeshwar. Deliverances, come on, church. Deliverances shuru ho jaye. Deliverances shuru ho jaye. आप यहां प्रार्थना कर रहे हो कुछ मंडलों में परमेश्वर डिलीवरेंसेस करना शुरू कर दे इन द नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी डिलीवरेंसेस इन द नेम ऑफ जीसस रबाशा खाती रबाशा खंडला रबाके डिलीवरेंसेस 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 रबाशा दाला रबाशे खंडले रेबे आप खाली मुझे देखते रहोगे परमेश्वर नहीं छुएगा आपको जिसको छुटकारा चाहिए आज खुदा की उपस्थिति में आराधना करे कुछ बंधन खुल जाए हम प्रार्थना करते कुछ ताकतें निकल जाए हम प्रार्थना करते कुछ जादू टोने के ताकतें इस मंडली से निकल जाए रबा बाबा शाखा रीबा रीबी सीधी रीबा रेखे लेट देयर बी रिलीज 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 जीसस रबा बाशा खांदी ले रे बेहते हसी तो रोबो खादा रबा शेखे कमन 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 कुछ जादू टोने के ताकत बंधन पेट में से निकल रहे यीशु के नाम से कमन रबा बा शाखा दला रबा शेखे रसी तो लो रोबो शाखा दला रबा हाथी यस रबा बा 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 शाखा दला रबा हाथी रे बेखे रसी तो लो रोबो शाखा दला रबा कमन 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 चर्च यस Raba raba shadalaba. Oh, riba baba 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 shoko bihati korobe. Yes, 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 yes. Raba baba shaka. Glory. Oh, I thank you, Lord. Raba sheke ribi shagaraba. Oh, dariba sheke ratirobo shaka. Oh, glory, 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 glory. Kuch kars ki atmae. Rabari ke di reba shikhendele rebeke. Parmeshwar ki atma, tujhse bar bar. Raba shaba shaba shake te reba shake. Raba shikhendele ribi ki. Kuch kars ki atmaon ka bandhan is kalisiya mein toot raha hai. Pichle dinon mein tujhe kars mein dubane wale. कुछ ताकतों को परमेश्वर तोड़ रहा है रबा शेखांदले रेगे रबा शेखो देरी बाहदा रबा शेखे हसी थलो रोबो शाथला रबा हंदे आगी देरे हंदले रे भी शेखे रबा शेखे मैं नहीं जानता किसी के लिए पर किसी का कर्ज का आत्मा टूट रहा है किसी का कर्ज का आत्मा टूट रहा है किसी का कर्ज का सुपर नेचुरल तरीके से कर्ज का आत्मा टूट रहा है रबा शकारी बे In the name of Jesus, in the name of Jesus, Rabba Shadalaba, Rasitolo Robo Shakandala Rabahadi. Agar aaj aap chup rehne aaye hain, ye galat church mein aap aaye hain. Aaj aapka din hai aradhana karne ka. Aaj aapka din hai parivar hai bandhanon mein pade hue parivar. Aaj release hone ja rahe hain Yeshu ke naam se. Come on church, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, let there be deliverance, 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 deliverance. Pavitratma ka samarth kuch logon pe utar jaye. Pavitratma ka samarth kuch logon pe utar jaye. Pavitratma, come on, come on, come on, come on, come on. Yes, there is deliverance in the name of Jesus. Rabashe deri bihadala rabashanda. Oh, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Kahiye mere saath. मेरा खुदा है सबसे सुंदर दस हजारों में दस हजारों में मेरा खुदा है सबसे मेरा खुदा है
सबसे Jesus, hallelujah. Let the name of Jesus, Holy Spirit, Pavitratma tere naam ka dhanyavad, Pavitratma tere naam ka dhanyavad. Oh, glory, 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 glory. Rabba shake and dele rebe hadiri be shaka. Rabba shaka talaga. Mujhe suniye dhyan se. Rabba shake and dele rebe. I don't know what have you done with the mic. Can you decrease the delay? Rabasha kandala rabaha dhire beke. Praise the Lord. Pichle hafte main ek jagah pe minister kar raha tha. Pastor ne mere ko time diya tha. Mere ko bola ki aapke pas 40 minute hai karke. Main aapko mazak nahi kar raha. Pavitra Atma ne mere ko bola. Soch vichar hat kar. अगर खुदा की उपस्थिति में रब्बा शती रे बेके बोला रब्बा शेते असी थोनू रब्बा खंडला रे सारे सोच विचार हटाकर आज खुदा में पूर्ण तरीके से रब्बा पाशे के देले रे बेके राते खुदा तेरे सारे बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है आई मीन ऐसा डिलीवरेंस देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे रब्बा शेके देले रे रब्बा शेके देले रे बेके तो मैं एक जगह पे प्रचार 40 मिनट्स मेरे को दिया 40 मिनट आप जानते हो 40 मिनट कभी कभी मेरे जैसे प्रचारक के लिए कम रहता है तो मैं ऑनर करना चाहता था लेकिन परमेश्वर बहुत माइटी है हमने जब डिलीवरेंस शुरू किया तो पास्टर साहब मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला पास्टर आपका 20-25 मिनट निकल गए उन्हीं के फैमिली में से एक लड़का दौड़कर सामने आता है घुटने पे आता है सीधा खड़े होके बोलता है मैं पिछले 13 साल से होमोसेक्सुअल था परमेश्वर ने मुझे बोला है इस बंधन में से निकाल प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं खुदा नियमों का पालन करता है आई डोंट नो व्हाई खुदा नियमों का पालन करता है पर उन नियमों को हटाकर अपने बच्चे को अगर आशीष देना है तो वो नियमों का उल्लंघन भी वो खुद ही कर सकता है एक औरत जो व्यभिचारिणी थी नियम ये था उसको पत्थर लेकर मारना है लेकिन जब बात छुटकारे की आई उसी का उल्लंघन करके एक नए को उसने लिखकर उस औरत को बचा के निकाल दिया मैं आपको क्या कह रहा हूं आप चर्च में आए हैं एक सिस्टम को चलाने के लिए आपको लग रहा है अभी प्रचार है और फिर आपको लग रहा है प्रचार के बाद लास्ट गाना है फिर आपको लग रहा है उसमें कुछ होगा मैं आपको कह रहा हूं अविनाश ये तौर तरीका नहीं चलेगा प्रेज़ द लॉर्ड यू हैव टू चेंज व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड जो आप कर रहे हो एक सीजन में आपको वो हटाना पड़ेगा आप एक सीजन में जो कर रहे हो वो आपको बदलना पड़ेगा एक सीजन में जो आप कर रहे थे वो आप अब नहीं कर सकते क्योंकि सीजन बदल चुका है जब सीजन बदलेगा तो हथियार बदलेगा जब सीजन बदलेगा तो आराधना बदलेगा जब सीजन बदलेगा तो परमेश्वर का ताकत भी बदलेगा रापाशी खेती रीपी खानदाला शैतान को कहो सीजन बदला है मेरा हथियार भी बदला है मेरा हाथ भी बदला है मेरा जोश भी बदला है मेरा आराधना भी बदला है The power of God cannot be contained. Parmeshwar ki, Parmeshwar ke power ko aap contain nahi kar sakte, sister. If you contain the power of God will not work through you. It wants to explode through you. Can you tell a volcano not to explode? Never. You are a volcano. Unless and until you don't explode,
How would people know you are a volcano? आपको समझ आया? What is inside needs to come outside. What is inside needs to come outside. What is inside needs to come outside. कुछ देर पहले हमारे मीडिया टीम के एक व्यक्ति का फोन चोरी हो गया. वो खड़े होके वहां रो रही थी भयंकर तरीके से. लेकिन परमेश्वर ने पिछले हफ्ते उसको वार्निंग दिया, तेरा फोन चोरी हो रहा है. एक ट्रायल भी दे दिया. जब फोन चोरी हो गया तो मेरे सामने खड़े होकर रो रही थी. तो मैं उसको बोला जरा मुंडी पीछे कर. तो उसने पीछे गया. मैं क्या दिख रहा है? बोला एक बाइक दिख रहा है. मैंने बोला ये बाइक भी चोरी हुआ था. मैं आपको कह रहा हूं, आपने जो आज तक नहीं देखा ना, खुदा वो आपके लिए कर सकते. आप 12वें महीने में, बोलिए 12वें महीने में. आपको पता, अगर मेरे घर में अगर छुटकारा नहीं आ रहा होता और मेरे परिवार में अगर कोई बच जाए जो खुदा में ना हो, मैं ठंडा नहीं बैठता. मैं तो समझ ही नहीं पाता लोग कैसे ठंडे बैठ जाते. मेरे को आज तक समझ नहीं आया लोग कैसे थम के बैठ जाए. आई डोंट आमीन. मैं तब तक थमूंगा नहीं जब तक मेरे परिवार का हर व्यक्ति बचाया ना जाए, मेरे परिवार का हर बंधन टूटा ना जाए, तब तक मैं थमकर नहीं बैठूंगा. मसीह लोगों का प्रॉब्लम, वो थम के बैठ रहे हैं, वो थम गए हैं, ठंडे हो गए हैं. गेट बैक व्हाट यू हैव लॉस्ट. जो खो गया है उसको वापस प्राप्त करो. एंड दैट्स व्हेन गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग. अपने पवित्र हाथों को उठाइए. जीवित खुदा, हमसे बातचीत कीजिए. जुबान मेरा हो पर शब्द आपके हो खुदा. महिमा आपको मिले. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. बैठिए. क्या ताली बजा के आप पवित्र आत्मा को जरा स्वागत कीजिए इस जगह पे. स्वागत कीजिए पवित्र आत्मा को जरा. Praise you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. Miraj ka prachar ka title hai Jesus is enough. Parmeshwar kafi hai. Yeshu kafi hai. Bole kisi ko dekh ke Yeshu kafi. Kisi ko dekh ke bole Yeshu kafi hai. Jab main chota hota tha to mujhe lagta tha ki Yeshu kafi nahi hai. Main Yeshu ko janta tha lekin main Yeshu ko tab bhi achhi tarah nahi janta tha. क्योंकि आप तब तक यीशु को नहीं जान सकते जब तक यीशु आपके लिए काफी ना हो जाए. हालेलुया. यीशु आपके दिन का एक पार्ट नहीं हो सकता. यीशु आपके चर्च का एक पार्ट नहीं हो सकता. यीशु आपके लाइफ का एक पार्ट नहीं हो सकता. यीशु ही सब कुछ होगा, तब ही बाकी पूरा चीज सही होना शुरू होगा. कई लोगों के लिए यीशु एक पार्ट है, चर्च एक पार्ट है, आराधना एक पार्ट है, उनके लाइफ का एक पार्ट है बस. लेकिन लाइफ का एक पार्ट नहीं है मसीह. Jesus is life. Jesus is life. Yeshu hi jeevan hai. Jab Yeshu jeevan ban jayega, jeevan sudhar jayega. Hallelujah. Jab Yeshu jeevan ban jayega, jeevan sudhar jayega. Hallelujah. Chalte firte aap mein Yeshu dikhega. Chalte firte Yeshu aap mein kaam karega. Main jab chota tha mujhe lagta tha ki paisa sab kuch hai. फिर मुझे लगता था करियर सब कुछ है. फिर मुझे लगता था कि भाई फालतू चीजें बहुत कुछ है. जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया मेरे को समझ आ गया ये सब कुछ कुछ नहीं है. ये सब इस सबसे बड़ा परमेश्वर है. इन सबसे बड़ा परमेश्वर है. यू कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट जीसस. यू कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट जीसस. यू कैन नॉट हैव पीस विदाउट जीसस. एक फेमस एक्टर ने इस प्रकार से बोला. यानी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लाइव में है इसके लिए. एक फेमस एक्टर ने बोला मैंने अपनी पूरी जिंदगी मूवीज किया और मैं मूवीज इसके लिए करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत पैसा. उनके फादर एक डायरेक्टर है. तो उन्होंने बोला कि मैं ये पूरी जिंदगी मूवीज करना चाहता था क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जैसा मैं भी फेमस होना चाहता था. मेरा भी नाम बड़े मैं चाहता था. मेरे फादर से ज्यादा मेरा नाम बड़े मैं चाहता था. मेरा नाम बढ़ गया और मैंने बहुत पैसा कमाया. इतना कमाया जितने मेरे फादर ने नहीं कमाया. इतना कमा लिया, इतना रुतबा, इतना घर, इतना प्रॉपर्टी, सब कुछ कमाया. उसने बोला मैंने सब कुछ कमाया और फिर मुझे लग रहा है कुछ नहीं. कहता मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक गराज हो और गराज के अंदर वर्ल्ड के सारे टॉप स्पोर्ट्स कार हो. बोला मैंने सब खरीद के देखा पर मेरे अंदर कोई शांति
मेरा बड़ा मन है किसी दिन मैं उनसे मिल सकूं और उनसे मिलकर मैं सिर्फ इतना बोल सकूं, ऑल यू नीड इज जीसस, ऑल यू नीड इज जीसस। आज इकलौती चीज जो आपको जरूरत है वो क्या है? हम पाप में क्यों करते? क्योंकि यीशु इनफ नहीं है। हम पाप में गिरते क्यों? क्योंकि यीशु इनफ नहीं है। हम समय से पहले व्यभिचार या रिलेशनशिप में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि यीशु इनफ नहीं है। अगर यीशु इनफ हो तो बाकी किसी में गिरने की हमें जरूरत नहीं है। हम गिरते क्यों? क्योंकि यीशु अभी तक मेरे लिए इनफ नहीं हुआ। मैं गुजरा हूं उस चीज से। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज इनफ, यीशु काफी है। आमीन। मिस्रीन को लिखते वक्त प्रलय का समय खत्म हो गया। आपको समझना है, मिस्रीन में इसराइल के लोग थे और इसराइल के लोग बड़ी तंगी, बड़ी कठिनाई, ईंटों का काम करते थे। बोलिए, ईंटों का काम करते थे। बड़ी गर्मी रहती थी, इनके घर छोटे थे, गोशन नाम के एक सिटी में रहते थे, खाने के लिए इनके पास नहीं होता था। आमीन। और मैं हमेशा बोलता हूँ, भूखे को प्रार्थना नहीं, भूखे को खाना चाहिए। हालेलुया, पहले खाना फिर प्रार्थना। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसको जरूरत है। तो बड़ा टफ सिचुएशन होता था। 14-14, 16-16 घंटे इन्हें काम करने होते थे। इनके पास नहीं होता था, ज्ञान की बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आमीन। क्योंकि उन्हें छुटकारा चाहिए था। फाइनली परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक छुटकारा दिया। और जब छुटकारा दिया तो जिसने उनके ऊपर अत्याचार किया, परमेश्वर ने टाइम लेके उसके ऊपर भी वापस अत्याचार किया। आप याद रखना कि खुदा आपको छुटकारा तब तक नहीं देगा जब तक सताने वाले को वो गिरा नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिसने तेरे साथ बैर किया है और जो तेरे खिलाफ हो गया है, परमेश्वर इतनी जल्दी उसको भूलने नहीं वाला है, क्योंकि परमेश्वर को याद है उसने तेरे साथ क्या किया। आमीन। तो मैं आपको वायदा भी देता हूं, जितना शैतान ने तेरे खिलाफ किया उतना वो हजारों साल के लिए पाताल के अंदर सहने भी जा रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर उसने तेरे बच्चे को यूज किया, वही बच्चा शैतान का सर कुचलने के लिए, परमेश्वर उसे कोई है इस चर्च के अंदर विश्वास करने के लिए? आमीन। कि जिसने मुझे सताया, आमीन, उसी का सर कुचलने के लिए परमेश्वर मुझे उपयोग करने जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। यही परमेश्वर का ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। और इसराइल को लगा, इसराइल आसान नहीं है जब आप 470 साल एक पीड़ा से जाते हैं। 470, हम 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में और 2 हफ्ते में हार मान जाते हैं। किसने मुझसे पूछा, पास्टर जी मैं 2 हफ्ते से हारी हूं, मेरे को छुटकारा क्यों नहीं मिला? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैंने कहा 2 हफ्ते में तो बच्चा वाला बीज भी डॉक्टर ढूंढ नहीं सकता पेट में आ गया कि नहीं। हालेलुया, आमीन। अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे ना तो 2 हफ्ते में ये भी नहीं पता लगेगा तू प्रेग्नेंट है कि नहीं। और तू खुदा के पास जब आई तो तेरे को जानना है 2 हफ्ते में कुछ क्या। पाप करते हो 10 साल, छुटकारा चाहिए 2 हफ्ते में, थोड़ा वेट कर। हालेलुया, गढ़ों में पड़ने वाला समय लगेगा निकलने के लिए, थोड़ा इंतजार कर। हालेलुया, किसी को देख के बोले धीरज रख। इसराइल 470 साल, 470 years कठिनाई से वो गुजरे। 470 आसान नहीं है, कठिनाई से गुजरे 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 गुजरे, आसान नहीं है ना 470 साल। मैं कुछ कुछ लोगों से बोलता हूँ कि कठिनाई है, तो वो एक्चुअली कुछ लोग गुजरे ही नहीं होते कठिनाई से, जो कठिनाई से आप गुजरे, सबकी कठिनाई अलग है। ये लोग गुजरे और फाइनली परमेश्वर ने एक दिन इनके पास आकर बोला, बहुत हो गया, कई प्रलय आ गए, लास्ट वाला है। परमेश्वर कहता है हर घर को मैं बोलने जा रहा हूं। बोला तुम्हें क्या करना है? पहला चीज, तुम्हें अपने घर के लिए एक मेमना तैयार करना है। कितने तैयार करने हैं? फिर से बोले कितना तैयार करना है? थोड़ा जोर से बोले कितना तैयार करना है? बोला एक मेमना तुम्हें अपने परिवार के लिए तैयार करना है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, कितने? सुनाई नहीं दिया, कितना? चर्च, आप मरे हुए लोगों की तरह बोल रहे हो, कितना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप समझिए, अगल बगल शैतान होगा, स्पीकर लेके बोलो उसे, हाँ रबाशे खेंदले रे देखे। हालेलुया, कितना? कितना 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 कितना। तो एक परिवार के लिए कितने मेमने की जरूरत है? आपके परिवार के लिए कितना मेमने की जरूरत है? आपके परिवार के लिए, आपके परिवार। हालेलुया, कहने का मतलब है सर, परिवार जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक मेमना काफी है। हालेलुया, एक यीशु काफी है। हमें तेरा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक काफी है, एक काफी है, एक काफी है, एक 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 एक। आज वो एक खुदा तेरे घर के लिए उतर कर आया है। परमेश्वर कहता है एक 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 एक, वन इज इनफ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप सही जगह पे आए। प्रॉब्लम ये कि आप भटक रहे हो, इधर उधर बहुत जगह जाते हो। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
आमीन, बहुत जगह मत भटको, सही जगह पे आए। हालेलुया, आमीन। बहुत जगह पे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट जगह पे आप आए। हालेलुया, आपको पता है इस चर्च का नाम क्या है? यीशुस क्रिस्तोस। आपको पता है उसका मतलब क्या है? वो असली नाम है यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट। आप सही जगह पे हो, आप अभी विश्वास नहीं कर, आप इधर उधर भटक रहे हो, आप जीसस क्राइस्ट के चर्च में आए हो। हालेलुया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक काफी है, एक काफी है, एक काफी है, एक काफी है, वन इज इनफ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो परमेश्वर आपको सॉल्व नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है परिवार जितना बढ़ाओ, प्रॉब्लम जितना बढ़ाओ, मैं एक काफी हूं। वो गीत गाने वाला कैसे कहते हैं, यहोवा ईरे मेरा तू दाता, तू मुझको काफी है, यहोवा राफा चंगा करने वाला, तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र, यहोवा शम्मा तू मेरे साथ है, मेरी घाटी पूरी करेगा, तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। जरा शैतान को कहो यीशु भर काफी है, यीशु भर काफी है, यीशु भर काफी है। राबा शेखान दे ले रे बेके, आमीन। आपके लिए यीशु काफी है ना? कोई आपको आके बोलेगा नौकरी काफी है, बोलने नहीं यीशु है। हालेलुया, यीशु काफी। मैं तो कह रहा हूं आज अपने घरों में, अपने परिस्थितियों में कहो जीसस इज इनफ, यीशु मेरे लिए काफी है, यीशु मेरे लिए काफी है। मेरा बस चले तो मैं आपको आज लिखवा के भेजूं, यीशु काफी है। हालेलुया, मैं नहीं जानता आप शायद दूर से आए होंगे, आप शायद किसी और जगह से आए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको एक वायदा देकर कहे मैं तेरे लिए काफी हूं। आज कुछ और मत लेकर जाना, प्रेज द लॉर्ड, यीशु को साथ लेकर जाना और बोलना ये काफी है, जीसस इज इनफ, यीशु काफी है। हालेलुया, उन्होंने कहा एक मेमना एक परिवार के लिए लेना। खुदा का धन्यवाद हो, हमारे पास वो मेमना है। हालेलुया, हमारे पास वो मेमना है, प्रेज द लॉर्ड। अब ये क्या था? परमेश्वर कह रहा था एक मील तैयार करना है। क्या तैयार करना है? मील, भोजन तैयार करना, पैसओवर मील, उसके बारे में लिखा हुआ है ना, पसाह का भोजन था। बोला तुम्हें एक साथ इकट्ठा होना है और क्या करना है, एक साथ इस मील को करना है, आमीन। और जब तुम ये मील है ना, परमेश्वर प्रभु भोज, इसी मील में से निकला हुआ कार्य है प्रभु भोज जो आज हम लेंगे। परमेश्वर ने कहा एक साथ इकट्ठा होकर तुम्हें क्या करना है, भोजन लेना है। आपको पता है परमेश्वर आपके साथ संगति रखना बहुत पसंद करता है, स्पेशली मील खाना बहुत पसंद है, खाना खाना बहुत पसंद है ना। किसी किसी जगह पे ऐसे लिख के आता है ना, लिख के आता है कि जीसस इज द अनसीन गेस्ट ऑफ आर होम, जीसस इज द अनसीन गेस्ट ऑफ आर होम। एक्चुअली मेरे को उस लाइन से प्रॉब्लम है ना, उस घर में हमेशा कलेश रहेंगे। जीसस इज द अनसीन गेस्ट ऑफ माई होम, उस घर में हमेशा कलेश रहेंगे। आप जानते क्यों? आप जानते क्यों? क्योंकि यीशु गेस्ट है। कई घरों में यही प्रॉब्लम है, यीशु गेस्ट है। कई परिवारों में भी यही प्रॉब्लम है, यीशु गेस्ट है। जिस घर में यीशु गेस्ट है वो आएगा और फिर चला जाएगा। अभी क्रिसमस आने वाला है, घर सजेंगे, तारे निकल कर आएंगे, छोटा तारा, बड़ा तारा, मीडियम वाला तारा, पेड़ भी आएंगे सुंदर सुंदर वाले, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। यीशु नहीं भी आया, कम से कम सेंटा ब्रदर तो आएंगे ही आएंगे। हालेलुया, इस बीच में कहीं ना कहीं अगर यीशु का एक मौका मिला तो फिर उन्हें भी ले आएंगे, आओ क्रिसमस है। आप सेंटा को भी तैयार कर देते हो, आप क्रिसमस को भी, ट्री को भी तैयार करते हो, आप तारों को भी तैयार करते हो, और फिर आपको याद आता ओ नो, फिर वो यीशु का कुछ बना के ना छोटी सी जगह पे यीशु को एक कोने में एक हट के अंदर छोटा सा लिटा के रखेंगे। मैं इनको थक गया हूं बोल बोल के, छोटा नहीं है। हालेलुया, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हट के अंदर लिटाने वालों में से नहीं है वो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीपल डोंट नीड अ जीसस दैट इज लाइंग इनसाइड अ हट, लोगों को वो यीशु नहीं चाहिए जो हट के अंदर बैठा हुआ था, झरने के अंदर बैठा था, यीशु को वो चाहिए जो क्रूस के ऊपर विजय प्राप्त कर कर, प्रेज द लॉर्ड, तीसरे दिन जिंदा होकर, आमीन, मैं न तुम्हें छोड़ूंगा, मैं न तुम्हें त्यागूंगा, अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, दो या तीन मेरे नाम पे जहां इकट्ठा हो वहां पे उतर कर आने वाला वो यीशु मुझे काफी है। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए साल में एक दिन यीशु आता है, मेरे लिए यीशु गेस्ट नहीं है, मेरे लिए यीशु मेरा ओनर है। जिस दिन यीशु आपका ओनर बन जाए उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उस दिन, क्योंकि उससे पहले आप घर चलाते थे, आमेन, लेकिन जिस दिन यीशु ओनर बन जाए यीशु घर चलाएगा। हालेलुया, आमेन, उससे पहले आप मील तैयार करते थे, आप, यीशु आपके लिए मील तैयार करेगा, उससे पहले चाबियां आपके पास थी, लेकिन जब वो ओनर बन जाएगा उसके पास सारी चाबियां। हो तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं सर, यीशु ने पता क्या कहा, यीशु ने इस प्रकार से कहा, यीशु ने कहा देखो पत्रस सारी कुंजियां मेरे पास है। हेलो, कुंजी किसके पास होती है? गेस्ट के पास। पता नहीं जितने लोग लाइव सुन रहे तुम्हारे घर पे वो गेस्ट वाला हटा देना, नहीं हटाना मत, उस पर एक लाइन मार देना और ऊपर लिखना ओ डब्ल्यू। हाँ, लोग आके पूछेंगे हमने भी घर में यही वाला लगाया था, तब से क्लेश चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, गेस्ट हटाना। यीशु ने कहा आई हैव ऑल द कीज, मेरे पास सारे कुंजियां है। सवाल, कुंजी नौकर के पास होता है, कुंजी प्रेज द लॉर्ड गेस्ट के पास होता है, या कुंजी मालिक के पास होता है? प्रेज द लॉर्ड, आपके घर का कुंजी किसके पास है पता है? मालिक यीशु के पास देना है। आज अगर कोई यहां पे बोझ लेकर आया है अपनी कुंजी को उठाओ, आमीन, और इस कुंजी को उठाकर यीशु के हाथों में दे के बोलो आज से तू चलाएगा, तू संभालेगा। और जब परमेश्वर के पास कुंजी आ जाएगा ना, तो परमेश्वर सिर्फ आपकी कुंजियों को नहीं ले रहा, उसके पास जो कुंजी है ना वो भी मिक्स करके दे रहा है और बोल देगा ये ले कुछ और कुंजियां साथ में रख, ये कुंजियां स्वर्ग की है, कुछ कुंजियां पाताल की है, कुछ कुंजियां किसी और घर की है, कुछ कुंजियां तेरे भलाई की है, कुछ कुंजियां तेरे खिलाफ खड़े हुए अधिकारों की है, आमीन, कुछ को बंद करना, कुछ को खोलना, मैं तुझे कुछ कुंजियां देने जा रहा हूं। हालेलुया, पास ओवर मील। परमेश्वर कहता परमेश्वर को खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन गेस्ट के रूप में नहीं, ओनर के रूप में। हालेलुया, इसी के लिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, पता नहीं आपने कभी सुना है कि नहीं, दिस वाज जीसस सेड, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो मैं घर के भीतर आऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ खाना भोजन फेलोशिप करूंगा। परमेश्वर अंदर क्यों आना चाहता है पता है? अंदर आकर बाहर जाने के लिए नहीं, अंदर आकर परमानेंट रीति में रहने के लिए। God's purpose is not to, परमेश्वर ने, मैं घर के अंदर आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ चिकन खाना चाहता हूं और फिर मैं बाहर जाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता मैं अंदर आ रहा हूं, मैं अंदर आ रहा हूं, तो जो गलत वाला अंदर है मैं तो कह रहा हूं फोन के अंदर ला दो यीशु, इंस्टाग्राम के हर वॉलपेपर पे यीशु लगो, तो उसमें जब बेबी और बाबा का फोन मैसेज आएगा ना, रिप्लाई करने का मन ही नहीं करेगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर वो नहीं है खुदा खुश रहे, मैं थोड़ी चोरी कर रहा हूं पर तू खुश रहे मैं थोड़ी चोरी कर रहा हूं तू खुश रहे मैं तेरे को भी 10 रुपए दे दूंगा पर तू ओह माय गॉड, ये वो वाला नहीं है जिसे 10 और 100 और लाख में खरीदा जा सकता है। आमीन, ये खरीदने वालों में से नहीं है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता, इसे पॉकेट में नहीं रखा जा सकता, ये जिंदा है, ये इकलौता है, इसके जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया, कुछ लोग ना गलत फहमी के साथ आते हैं, बोला ये वही वाला होगा, ये वो वाला नहीं है सर, ये गलत का नहीं सही का साथ देता है।
प्रेज द लॉर्ड। ये तब तक नहीं करेगा जब तक आप सही नहीं होंगे और मैं सही नहीं होऊंगा। हम सही हो जाएंगे, खुदा कहेगा राइट टाइम, मैं भी सही। सही और सही सही है, गलत और सही गलत है, थोड़ा गलत और सही गलत है, 10% गलत और सही गलत है। तुम्हारा सब आमीन खत्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आपके साथ संगति रखना। पैसा की रात को भी परमेश्वर एक संगति, शिष्यों के साथ मरने से पहले परमेश्वर ने क्या रखा पता है? संगति। इसराइल का आखिरी छुटकारे से पहले, आखिरी बड़े छुटकारे से पहले एक रात पहले क्या हुआ आपको पता है? संगति। आपको छुटकारा चाहिए कल के दिन में। आपके अंदर इतना विश्वास है कि कल का दिन आपका छुटकारा आएगा। है कोई इस चर्च के अंदर एक ऐसा बहन ऐसा भाई है जिसे ये विश्वास है? टुमारो इज माई डे ऑफ डिलीवरेंस। आज रात को खुदा के साथ एक संगति रख लो, आज रात को खुदा के साथ एक संगति रख लो, आज रात को खुदा को, आज रात को तू मुझे छुएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात को मैं तेरे भीतर आ रहा, आज रात को मैं कावड़ खोल के दे रहा हूं। हालेलुया। आप मेरे और मेरे परमेश्वर को लिमिट नहीं कर सकते। सच अ पावरफुल गॉड। एक दिन में वो भूमंडल बना सकता है, तो एक दिन में आपकी परेशानी नहीं हटा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन में सूरज चांद, तो आपको पता पूरी गैलेक्सी को उसने एक दिन में बनाया। जिस गैलेक्सी को घूमने के लिए साइंटिस्ट को 24,000 साल लगेंगे, उस परमेश्वर ने उसको एक दिन में बनाया। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। अर्थ को घुमाना, सन को घुमाना, बाकी प्लैनेट को प्लेस करना, आई मीन कॉस्मोस को संभालना, प्रेज द लॉर्ड। वो साइंस जो आप कभी समझ नहीं पाए, उस पूरे साइंस को, आई मीन मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे साइंस को उसने कितने दिन में बनाया है? मेरे को 6 साल लग गए पढ़ाई करने में साइंस में, लेकिन आज तक कुछ समझ नहीं है। उस साइंस को बनाने वाला कौन है बताया आपको? जीसस। और कितने दिन में? हाँ, कितने दिन में? कितने दिन में चर्च? वन डे। क्या आपको नहीं लगता एक दिन में आमीन जो भूमंडल को बना सकता है, वो एक दिन में तुझे बना सकता है, तुझे उठा सकता है, तेरे कामों को बदल सकता है? दिस इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। अब अगला चीज परमेश्वर क्या बोलता है बताए? खाने का ना रूटीन भी देता है परमेश्वर। बोलता है ऐसे कुक करना। हमारा परमेश्वर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज। ही इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड गॉड। परमेश्वर ने कहा डू नॉट वाटर डाउन द मीट, डू नॉट वाटर डाउन द लैम। कहने का मतलब है इसके बदले में और कुछ मत बनाना। मैं कुछ बोलूं, यीशु के बदले में और कोई नहीं है। इसके बदले में ना कोई बाबा है, इसके बदले में ना कोई बिशप है, इसके बदले में ना कोई पास्टर है। यीशु एकलौता है। हालेलुया। इसके बदले मुर्गी नहीं चलेगी। पर मैं जगह इसके बदले मुर्गी नहीं चलेगी। हाँ, हालेलुया। जितने लोग भी मुर्गियों के पास जा रहे हो, देख लो अपना क्या होने वाला है। हालेलुया। मुर्गी छुटकारा नहीं देगी। परमेश्वर ने कहा मेमना। परमेश्वर ने कहा मेमने के अलावा तो छुटकारा कोई और नहीं दे पाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो ये बंदा दे देगा, वो बंदा दे देगा, वो बंदा दे देगा और वो बंदा दे देगा, कोई नहीं देने वाला। एक देगा, और वो कौन है? परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है, लैम्ब। वो मेमना कौन है? यीशु। परमेश्वर ने कहा कि मेमने को तैयार करो। मेमने को तुम क्या करो? यूज करो इस मील के अंदर। अगर पुराने नियम में वो मेमना था, हमारे पास एक नया मेमना है और उस मेमने का नाम यीशु है। आपको पता पुराने नियम में हर पेसाह पे नया मेमना आता था। खुदा का धन्यवाद हो, हमारे लिए एक ही मेमना काफी है। हमें कहीं बाजार में नहीं जाना, हमें किसी को पालना नहीं है, हमें किसी को काटना नहीं है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए कटकर जिंदा होकर हमें आज तृप्त करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। चलो थोड़ा और समझाता हूं। परमेश्वर ने शमरिया की औरत को पता क्या कहा? तू जो पानी मुझे पिलाएगी उससे प्यास लगेगी, पर मैं जो पिलाऊंगा प्यास नहीं लगी। समझिए इस चीज को। इसराइल के लोग हर पसाह पे क्या करते थे? मेमने को कितनी बार भी काटे वो उनका प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो मेमना शारीरिक था। लेकिन यीशु को जरा देखे, एक बार जब वो अंदर आ जाता है ना, फिर ना काटने की जरूरत है, फिर ना बलि चढ़ाने की जरूरत है, फिर ना कुछ और करने की जरूरत है। वो एक काफी है। He alone is enough. That is the power of Jesus. यही परमेश्वर का ताकत है। हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। यीशु के बदले और कोई नहीं है। You can't replace Jesus with somebody else. It is Jesus. मैं नहीं कहता, बाइबल कहती। ऐसा कहता बाइबल, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है
और वो नाम यीशु का है। मैं अपना बनाकर प्रचार नहीं कर रहा, मैं वो प्रचार कर रहा हूं जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने जिस किताब को पढ़ा है, जिस किताब ने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के हृदय को परिवर्तन किया है, जिस किताब को मिटाने के लिए राजाओं से लेकर बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने कोशिश किया है, मैं तब भी टिका हुआ। दुनिया का सबसे ताकतवर किताब, वो किताब कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, और वो नाम कौन सा है? यीशु का नाम है। हर घुटना टेका जाएगा, हर दुष्टात्मा चिल्लाएगा, घुटने टेक कर वो कहेगा यीशु ही प्रभु है। ये वो नाम है, इसके नाम के सामने कोई और नाम नहीं है। मैं नहीं कहता, so don't believe me, believe this book, ये किताब कहती है। उन्होंने बोला स्पेशल है, आप में से जितने भी लोग दो नाम पे हैं, एक पे आ जाओ। अगर मुझे कोई सुन रहा है, दो पे नहीं, एक, 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 पर भी वन बहुत जरूरी है। आप एक पे आ जाओ, मैं आपको कह रहा हूं आपका लाइफ सुधर जाएगा। हालेलुया। मैं हमेशा जवानों को बोलता हूं, खुदा एक, पार्टनर एक, पति पत्नी एक, कई लोगों के दो भी है। मैं कहता हूं कि खुदा एक, पार्टनर एक, पास्टर एक। हालेलुया। बार बार बाप मत बदला करो, अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। कई बाप भी अच्छे नहीं लगते, एक रखो। हालेलुया। आमीन तो बोल दो कम से कम। आप बुरा मान जाते हो, बाकी मैं ताली बजा देते हो, ऐसे पॉइंट्स बोलता हूँ, आप बुरा मान जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दो और पॉइंट्स और हम खत्म करेंगे। बोला वॉटर डाउन नहीं करना है, इसके बदले और कुछ नहीं, यही चलेगा। मैं आप में से कुछ लोगों को भविष्यवाणी देना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग कई परिस्थिति आने के बाद भी आप यीशु में डटे रहे। आपको जो ऑनर खुदा देने जा रहा है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे वैसा ऑनर खुदा आपको देने जा रहा है। आप में से उतने लोग जिनके सवाल है कि परमेश्वर में आप में टिका रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां मेरी हिल गई, और कई चीजें मुझे सहना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन परमेश्वर आपके लिए उतरेगा और जिस दिन खुदा बाप वो बाड़ा खोल देगा और दरवाजे के अंदर उन रास्तों और अधिकारों को जब लेकर आएगा ना, धन्यवाद के अलावा आपके पास कोई और शब्द नहीं होंगे। आयुब के जब 7 बेटे और 3 बेटियां जब चली गई और शरीर के अंदर नया रोग आ गया, और रोग इतना गहरा था कि उसने अपने चमड़े को उधेड़ना शुरू किया, और उधेड़ते उधेड़ते उसकी पत्नी आकर उससे कहती है, अब भी तो इस खुदा का धन्यवाद कर रहा है। आयुब को पता था उसकी शुरुआत उस देश में कहां से हुई है, पर्शिया में रहने वाला, उस देश के अंदर वास करने वाला आयुब दुनिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, बचपन से ही अमीर या शोहरत रखने वाला व्यक्ति नहीं था, एक मामूली घर से आने वाला आयुब नामक यह व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे उसके खानदान में इतना रुतबा, उस देश में इतना रुतबा दिया, उसे एहसास था देने वाला परमेश्वर है और लेने वाला परमेश्वर है। वो वही बोल सकता है जो मिट्टी से जुड़कर उठा है। हालेलुया। जो मिट्टी से जुड़कर उठा है उसे पता है देने वाला वो है, उसे पता है वो 500 भी उसने दिए, वो 1000 भी उसने दिया, वो 10000 भी उसने दिए, वो 11000 भी उसने दिया, ये 7 भी उसने दिए, ये 3 भी उसने दिया। अगर ये इसने लिया तो फिर से देने के लिए मेरा परमेश्वर, चर्च, मेरा परमेश्वर योग्य है। हमें कुछ लिया है तो वो बिना देखकर तुझे नहीं भेजेगा यहां से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप परमेश्वर में टिक गए। अगला चीज बोला कि इस मीट को बोला रोस्ट करना है। क्या करना है? रोस्ट। किस पे रोस्ट करना है? फाया। किस में रोस्ट करना है? हाँ, किस पे रोस्ट करना है? फाया। बोला पहले तो अगर इसका टेस्ट चाहिए तो इसको किसके साथ मिक्स करना पड़ेगा? फाया। जब तक ये फायर में नहीं जाएगा तब तक तो इसको काट के खाएगा। तो ये किसके साथ मिक्स होना चाहिए? फाया। आपको पता है आपको भी किस में मिक्स होना पड़ेगा? हाँ सर। मेमना जब तक फायर के साथ नहीं जुड़ता ना, तब तक बढ़िया काम नहीं होता है। हालेलुया। आमीन। मेमने को किसके अंदर जाना पड़ेगा? फायर। हालेलुया। प्रभु बोझ ले रहे हो, खुदा का धन्यवाद हो, लेकिन जब वो प्रभु बोझ लेने के बाद बंदा जब फायर में चला जाता है ना, तो वो बंदा कुछ और बन जाता है। हालेलुया। आमीन। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे, आमीन, और मरने के
मरने से पहले यीशु ने, मरने से पहले यीशु ने, देखना जरा यीशु, वाह, एक बार यीशु का धन्यवाद कीजिए। मैं आपको कुछ नया, बहुत बढ़िया कुछ देने जा रहा हूं, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। यीशु मसीह मर गए, कहना से जो ब्रदर, यीशु मसीह मर गए। मरने के बाद वो तीसरे दिन जी उठे, अध्ययन प्रेज लॉर्ड, तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। हुए कि नहीं हुए, अब ऐसे सीरियस हो, सच्ची में नहीं, तीसरे दिन हो जी उठे। हालेलुया, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, एक पत्नी मुझे कहती, पास्टर जी यही पति फिर से जिंदा हो गया तो ये मुझे ऊपर भी मिलेगा क्या? मैं ठीक है, पता नहीं क्यों बोला मैंने, जो भी है। हालेलुया, एनीवेज, कुछ कुछ चीजें क्यों निकल के आती है, कॉन्सेंट्रेट, कम ऑन। यीशु मसीह तीसरे दिन, कोई डाउट है किसी को? इतना गारंटी दुनिया में किसी और के लिए नहीं है जितना गारंटी यीशु के लिए है कि वो जिंदा हुआ। हालेलुया, आपको पता दुनिया में किसी और के लिए इतने, आपको पता यीशु मसीह दुनिया का इकलौता फिगर है जिसके नाम पे 5,500 मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आज है, और कोई नहीं। आपको पता अगले बंदे के नाम पे कितने? सिर्फ 500। हालेलुया, सिर्फ 500, बाकी को तो मैं गिनाना भी नहीं चाहता। हालेलुया, वो एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो एक लिविंग फिगर है, वो पास्ट नहीं है, वो प्रेजेंट है और वो फ्यूचर है। हालेलुया, यही यीशु का ताकत। यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ, तीसरे दिन जिंदा होने के बाद शिष्यों के साथ कितने दिन रहा? टोटल 4 दिन नहीं, वंडरफुल, कितने दिन रहा? 40 दिन रहा। यीशु 40वें दिन शिष्य को देखकर बोला, शिष्य तब तक सेवकाई मत करना जब तक तुम पवित्र आत्मा के आग से ना भर जाओ। बोला कि नहीं बोला? है ना, मतलब शिष्य लोग खुद एक बंधन में थे, खुद वो एक छुटकारा अभी तक प्राप्त नहीं किए, खुद वो अपने लेवल के अंदर घुसे नहीं, तो उन्होंने बोला तब तक कुछ मत करना जब तक तुम किससे ना भर जाओ। बोलिए फायर, थोड़ा जोर से बोलिए फायर। वंडरफुल, ठीक है ना, कौन सा दिन था? 40वां दिन खत्म। उसके कितने दिन बाद? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8वें दिन 9वें दिन 10वें दिन क्या हुआ आपको पता है? फायर उतरा कि नहीं उतरा गाइस? 10वें दिन ही उतरा ना, कोई डाउट तो नहीं है। मैं एक वाक्य पढ़ूं आपके लिए, 12वां अध्याय उसका 3रा वाक्य पढ़ूं? पढ़ते इंग्लिश में इस प्रकार से, स्पीक ही अनटू ऑल द कांग्रीगेशन ऑफ इज़राइल, इज़राइल के सारे लोगों को इस प्रकार से कहा, 10वें दिन उस महीने के 10वें दिन वो एक मेमने को उठाए और उस मेमने के ऊपर आमेन एक फायर उतरेगा, और जब वो फायर उतरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका निंदा उस दिन खत्म होगा, उसका क्लेश उस दिन खत्म होगा, उसका क्लेश उस दिन खत्म होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर पुराने आमीन नियम के अंदर 10वें दिन में अगर एक आग उतरा तो नए नियम में आमीन मेमने ने कौन से दिन भेजा? 10वें दिन एक आग को भेजा। चर्च आईसीएम को आज किसकी जरूरत है पता है आपको? आईसीएम को आज एक ही चीज की जरूरत है, फायर। आमीन, जब परमेश्वर का आग आपके अंदर मेरे अंदर उतरेगा, आमीन, परिस्थितियां बदल जाएगी। आमीन, जब मैं रोस्ट, मैं जब ये वचन बना रहा था ना, मेरे को थोड़ा बहुत सीखना था, मैं सुबह मेरे पास टाइम कम रहता है फर्स्ट सर्विस में, तो मैं कई चीजें बता नहीं पाता सेकंड सर्विस में, क्योंकि आप लोग सब दूर दूर से आते, तो इसके लिए मैं आपको आराम से छोड़ सकता हूं। हालेलुया, रोस्ट, कितने लोगों ने कभी ना कभी कुछ ना कोई चीज रोस्ट की है, इंसान की बात नहीं कर रहा, खाना रोस्ट, मैंने भी किया था जिंदगी में, पहली बार मैं रोस्ट करना चाहता था, मेरे को लगा कि वो रोस्ट करने के बाद रेड रहेगा, वो ब्लैक हो गया है मैं। लेकिन कितने लोगों ने कभी ना कभी रोस्ट किया, रोस्ट कुछ ना कुछ, मतलब मैं वेजिटेबल भी रोस्ट होता मुझे अभी पता लगा, है ना, रोस्ट। आपको पता रोस्ट से पहले जो साधन होता है, जो भी मीट होता है या जो भी चिकन होता है या जो भी साधन होता है, उसका बाहर का एक कलर है कि नहीं, है ना, बड़ा सुंदर लगता है रोज से पहले। मैं अभी रिसेंटली बारबेक्यू नेशन गया था, आप कभी गए बारबेक्यू नेशन? कोई कंट्री का नाम नहीं, इधर यहां पे एक रेस्टोरेंट है,
बारबेक्यू, मैं वहां पे, वहां पे मेरे दोस्त मुझे ले गया था, तो वहां पे भट्टी लगी हुई थी, बड़ी बड़ी भट्टियां एक सिल्ली के अंदर, पाइनएप्पल दूसरे के अंदर, कैप्सिकम उगाया, ब्रोकली बीवी भी थी साथ में, फिर चिकन, बाकी लाइव में बोल नहीं सकते पर फिश, सब पता है संध्या को, है ना, बड़े सुंदर सुंदर रहते हैं अविनाश, बिल्कुल तेरी तरह सुंदर, फ्रेश, सुंदर, ओह माय गॉड मैम, सुंदर। लेकिन जब उसे अच्छा सिस्टर भट्टी पे रखा, मैंने बोला ऐसे ही खा जो, कहते कच्चा है, बोला इसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना, सुना ही नहीं दे, क्या करना, परमेश्वर को कच्चा नहीं चाहिए सर, परमेश्वर को रोस्ट वाला चाहिए। जब तू खुदा में आता है ना, तेरे कुछ कलर है, तेरा कुछ स्टाइल है, तेरा कुछ आमीन, लेकिन जब तू खुदा के पवित्र आत्मा के अंदर घुसता है, ओ जीसस, परमेश्वर क्या करता है, रोस्ट, तेरा कलर भी जाएगा, हालेलुया, तेरा लुक्स भी जाएगा, तेरा ईगो भी जाएगा, तेरा प्राइड भी जाएगा, तेरा बाहर का चला, लोग कहेंगे तू बाहर से कैसा बन गया है, लेकिन लोग कहेंगे बाहर से इतना खराब, लेकिन अंदर से इतना जबरदस्त बन गया है, ये क्या हो गया, हमें तो लगा तू चल गया, हमें तो लगा तू कट गया, हमें तो लगा तू हार गया, हम हारे नहीं है, कटे नहीं है, हाउ प्रेज द लॉर्ड, बर्बाद नहीं हुए है, हम रोज वो रोस्ट वाला मैंने इसे निकाला, अभी मैंने इसे मारा, मैंने कहा माय गॉड जीसस हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल टेस्ट इट इज, क्या जबरदस्त। आपके घर में मिलने वाला पनीर येलो है, व्हाइट है, रोस्ट वाला ब्राउन है, जिसका काला है खुदा उसे बचाए। किसी को कुछ समझ आ रहा है, आप पूछ रहे हो खुदा बार बार आग में क्यों डाल रहे हो, बार बार उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, खुदा कहता बच्चे रोस्ट कर रहा हूं, जिस दिन पूरा रोस्ट हो जाएगा, उस दिन जो तुझसे मिलेगा, जो तुझको खाएगा, जो तेरे साथ जुड़ेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, सब कुछ बदल जाएगा, लोग कहेंगे ये वो ही नहीं, ये कोई और है, हालेलुया। जब ICM चर्च उस फायर में आ जाएगा ना, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। मेरा प्रार्थना 2023 आखिरी और 2024 अगर खुदा में दान में देता है तो, हालेलुया, मेरा प्रार्थना ये है तेरे बगल वाला तेरी फायर से छुटकारा प्राप्त करे, तेरा बगल वाला तेरे फायर से, बगल वाला तेरे अभिषेक से, मतलब इतना अभिषेक होना चाहिए आपके अंदर, प्रेज लॉर्ड, आप चर्च के अंदर कदम रखे, आमीन, आपके बगल वाला भी आमीन एक फायर से भर जाना चाहिए। That is what my prayer is. Hallelujah. 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 मेरा बड़ा प्रार्थना है कि इस साल परमेश्वर आपके पैरों को या तो तोड़ दे या आराधना में उपयोग करे। पता नहीं लाइव वाले क्या सोचेंगे, तुमसे मुझे बहुत प्यार है, बस बैठेंगे, तुझे करना है तो कर, मैं नहीं उठूंगा, तुझे छूना है तो छू, मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, तू ताली बजवा, इट्स नॉट गोना हैपन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग खुदा को चैलेंज करते, छू कर दिखा, अगर कर सकता है तो, अगर छूना ही है तो छू के, मुझे हिला के दिखा, हिला के, रसीजी ब्रदर, मुझे हिला के, हम नहीं मानेंगे, ओह गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तू हिलेगा तुझे ही अच्छा है, आप हिलोगे आपके लिए बढ़िया है, आप थोड़ा झूमोगे आपके लिए बढ़िया है,
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, उसमें भी लोग पता कैसे झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, हे 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 झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। फायर 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 है ना, वो पास्टर पॉल तंगिया बोलते हैं ना, आई एम नॉट अ स्पार्क बट अ पेंटेकोस्टल फायर। आमीन। मैं कौन हूं? एक फायर हूं सर। हालेलुया। मैं तो कह रहा हूं आपको ऐसा फायर बनना, दुश्मन भी आपके सामने गुस्सा हो गया है वो भी हंस पड़ेगा ना, क्या बंदा है यार, बिल्कुल यार मैं तो कुछ और बोलने आया था, अरे तो बिल्कुल बंदा बिल्कुल। ए फायर, दैट्स द पावर ऑफ गॉड। हमें भी कोई सता रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत सताया। लेकिन कल मैं और महिमा वहां पे गए, आओ कुछ खिलाऊं मैं आपको, स्वीट्स लोगे, खीर लोगे, आप आपको क्या बोल रहा हूं, जो आपके शत्रु भी है ना, कभी कभी आपके अंदर का जो फायर है ना, वो शत्रु के बंधन को तोड़ देगा। Right? It is so powerful. Hallelujah. Avinash, तेरे पास girlfriend है? नहीं, फिर इधर आ। क्या सवाल है ना, बिल्कुल public में हो गया। भी आपका फायर, जब आप फायर में, all you need to do is just come close। अविनाश डर मत, शायद तेरे लिए पहली बार होगा, पर oh my god, there has to be a fire when you are in fire everything changes। अब अविनाश शादी तक किसी और से गले नहीं मिलेगा, कई और आएंगे जॉनसन ब्रदर मिलने के लिए। ओह माय गॉड, आप क्या बोलोगे उसे? फायर है ना सर, वायर के साथ सिर्फ वायर ही आ सकता है, वो वायर है नहीं सर, तो वो आके पास भी नहीं आ सकता। कि अविनाश में तुम्हारे पास आना चाहती हूं पर पास नहीं आ पा रही, उसको बोलना आई एम फायर। शैतान कहेगा मैं उसके घर आना चाहता हूं पर आ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि आई एम Fire! Thank you, Avinash. God bless you, my dear. Last point. Fire डालने के बाद मेमने का लहू एक बेसिन में लेना होता है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा मेमने का लहू बेकार नहीं होना, उसे एक बेसिन में लेना, बड़े कटोरे में लेना। और फिर पता है क्या बोला? उस लहू को तुम अपने दीवारों पे और आलंगों में, मतलब अपने दरवाजों पे और अपनी खिड़कियों पे क्या करना, इसको क्या करना, इसको पेंट करना, क्या करना, इसको क्या करना, पेंट करना। हालेलुया। मैं जब ये प्रचार बना रहा था, मैंने बहुत बार इस पे प्रचार किया, पर मैं सोच रहा था कि टीवी पे कितने ऐड आते हैं ना, जबरदस्त जबरदस्त ऐड आते हैं, सीलन से बचाए एशियन पेंट्स, हर साल आप लगाते और हर साल सीलन आते हैं ना, Dulux paint आपके घर में ऐसी रोशनी दे दे कि आप सोच भी ना पाए, लाइट बंद कर दो कोई रोशनी नहीं देने वाली। हालेलुया। है ना, आप लगे पड़े हुए पेंट, केरला में आप जाओगे तो लोगों के पास बड़े बड़े घर है केरला में, है ना, बाहर एक पेंट है अंदर एक पेंट है। मैं किसी के घर में गया, सारे अलग अलग कलर के पेंट है, वो व्यक्ति यहीं बैठा हुआ है ना, एक दीवार पे रेड है, दूसरे दीवार पे येलो है, एक पे पिंक है, एक पे सारा पेंट है भाई। हमने भी अपने घर पे बहुत पेंट किए, पुराने चर्च में, हमारे चर्च में पानी भर जाता था, हम भी क्या करते रहते थे, बहुत बेवकूफ बनाया लोगों ने, ये वाला पेंट लगा लो आपकी सीलन खत्म हो जाएगा, हम करते थे 3 हफ्ते बाद फिर। पर
परेशान हो जाते थे। परमेश्वर क्या कह रहा है पता है, ये सारे पेंट एक सीजन के हैं, मैं तुझे एक पेंट देता हूं। हालेलुया, हर सीजन काम करने वाला पेंट, प्रेज द लॉर्ड। इसकी गारंटी मृत्यु के बाद भी तेरे घर पे काम करेगा। Well, I'm going to give you a paint. I'm going to give you something to post it, paint it on your walls. मैं कुछ देने जा रहा हूं तुझे, तू अपनी दीवारों पे लगा सकता है। I mean, जो तू अपने घरों पे लगा सकता है, अलंकों पे लगा सकता है, और जब तू इसे लगा देगा तेरा घर बदल जाएगा। Amen. Praise the Lord. कोई तेरे घर के अंदर कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि पूरे परिवार को परमेश्वर क्या करेगा, चेंज कर देगा। अप्लाई द ब्लड। मैं ये कई बार आपको बोल चुका हूं, मैं एक बार और बोल रहा हूं, अप्लाई द ब्लड। यीशु के लहू बोलने से फायदा नहीं है, लगाने से फायदा है। बोलने से छुटकारा नहीं आएगा, लगाने से छुटकारा आएगा। चर्च, आज आपको यीशु का लहू लगाना है। आप आज प्रभु बोझ ले रहे हैं, जिस लहू को आप पी रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो लहू आपके अंदर है। इट इज सच अ पावरफुल ब्लड, हाथों में इतना ताकतवर है, शरीरों में। आपको तो कुछ नहीं करना चाहिए, आपके बगल में कोई है, आपका परिवार है, उसे एक बार छू लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आई अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु के लहू को तेरे हाथों में लगा दो, अंदर ही अंदर बोल देना। घर पे जाओगे किसी को मत छूना, पहले जाके वो बेटा वो बेटी वो पति वो पत्नी कैसे हो, आमीन, उससे पूछना कैसे हो, अंदर प्रेयर करना, यीशु के लहू से बदल जा। आमीन, 100% एक ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर उसके अंदर लेकर आएगा। अप्लाई द ब्लड। परमेश्वर ने कहा ये लहू, उसमें इंग्लिश में ऐसे लिखा, व्हेन यू अप्लाई दिस ब्लड द डिस्ट्रॉयर हु कम्स टू डिस्ट्रॉय शैल पास योर होम। जो डिस्ट्रॉयर जो आपके घर को तोड़ने आएगा, वो आपके घर को देखेगा, घर के पास आएगा, दरवाजे तक आएगा, खिड़की तक, क्योंकि अगर दरवाजे से एंट्री नहीं मिली तो चोर कहां से घुसने की कोशिश करेगा, खिड़की से घुसने की कोशिश करेगा, तो वो दरवाजे पे भी आएगा। और वो कुछ लोगों के दरवाजे बंद होंगे, आज का प्रचार के बाद अपनी खिड़कियां भी बंद कर लेना। कुछ लोगों ने अपने मेन डोर्स तो बंद कर दिए, छोटी छोटी खिड़कियां खोल दी, आज वो सारी बंद कर देना। हालेलुया, जब आप ये दोनों पे अपने यीशु के लहू को लगाओगे, डिस्ट्रॉयर आएगा पर वो अंदर नहीं घुस पाएगा, वो कदम रखेगा पर वो अंदर नहीं घुस पाएगा, वो तलवार लेकर आएगा पर वो अंदर नहीं घुस पाएगा। आई मीन, वो मृत्यु के लिए आएगा पर वो अंदर नहीं घुस पाएगा, वो काटने आएगा पर वो अंदर नहीं घुस पाएगा। आई मीन, वो कलेश करने आएगा पर वो अंदर नहीं घुस पाएगा, वो दुष्टात्माओं को भिजवाएगा। आई मीन, वो विभिन्न लोगों को भिजवाएगा, लेकिन वो अंदर कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि तेरे कावड़ों में आई मीन, और तेरे दरवाजे पे यीशु का लहू है। हालेलुया। एक विच क्राफ्ट करने वाली एक औरत की टेस्टिमनी में उसने इस प्रकार से बताया कि मैं कई बार एक परिवार में जाती थी, एक क्रिश्चियन परिवार में जाती थी, और मेरा हर बार पर्पस ये था कि उस घर में जाके मैं कुछ डाल दूं या कुछ खाने से उसे दे दूं। अब कई लोग उस पर बिलीव करते नहीं है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। बाइबल विचक्राफ्ट के बारे में बताता है कि विचक्राफ्ट है तो विचक्राफ्ट है, अब आप बिलीव करो नहीं बिलीव करो, दैट इज योर चॉइस, अप टू यू। तो ये औरत कहती थी मैं उस परिवार में जाती थी, मेरे को कोटेशन मिला था कि इस परिवार को कैसे भी बर्बाद करना है। मैंने दोस्ती की, जब मैंने दोस्ती की तो उसको यही नहीं पता लगा कि मैं विचक्राफ्ट करने वाली हूं। जब ये विचक्राफ्ट करने वाली औरत ने उस मसीह औरत के साथ दोस्ती की तो लोगों ने बोला ये मसीह औरत बहुत ताकतवर औरत है, और इसको पता ना लग जाए ऐसे देखना। तो जब इसने दोस्ती की तो इसको पता नहीं लगा, तो विचक्राफ्ट करने वाली दूसरे को बोलती इसे तो कुछ पता नहीं है, बोला ये तो बेकार है। इसके घर गई, कुछ डाला कुछ नहीं हुआ, फिर डाला कुछ नहीं हुआ, कुछ लेकर गई कुछ नहीं, खाने में दिया कुछ नहीं हुआ, फिर खाने में दिया कुछ नहीं हुआ, चार बार डाला कुछ नहीं हुआ, रात को आके डाला कुछ नहीं हुआ, सुबह आके डाला कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हो ही नहीं रहा है। एक दिन इस विचक्राफ्ट करने वाली औरत का जो बच्चा है उसका एक भयंकर वाइटल एक्सीडेंट हो जाता है, फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, उसके वाइटल ऑर्गन्स सारे डैमेज हो जाते हैं, इंटेस्टाइन से लेके उसके पैर से लेके उसके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स है वो सारे के सारे उस एक्सीडेंट में नाश हो जाते हैं। मृत्यु से ये विचक्राफ्ट करने वाली औरत का बच्चा लड़ रहा है,
कई लोग उधर आए जो जादू टोना करते थे, कई लोग आए, कई लोगों ने ये बोला, कई लोगों ने वो बोला, बस वो बच्चा वेंटिलेटर पे है। हर दिन का वो हजारों रुपए उस हॉस्पिटल में दे रहे, बच्चे में 1% का चेंज नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जिस आईसीयू में वो बच्चा पड़ा हुआ है उस आईसीयू के, उसी आईसीयू के दूसरे भाग में एक और बच्चा पड़ा हुआ है, और वहां पे उस दिन कोई एक व्यक्ति वहां पे दुआ करने आता है, और जब वो दुआ करता है तो वो यीशु के नाम से क्या कर रहा है, वो दुआ कर रहा है। दुआ करके जब वो चला जाता है, ये औरत उसके पास जाती है और पूछती है, जिसने दुआ किया ये कौन है? तो उन्होंने बोला, ये वो है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। बोला, ये यीशु क्या करता है? तो उसने बोला, ये यीशु वो कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते। तो ये औरत कहती, मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे, मेरे बच्चे के प्राइवेट ऑर्गन्स खराब हो गए और मैं आंसू बहा रही हूं, आपके बच्चे का कंडीशन मुझसे, मेरे बेटे से भी 4 गुना खराब है, लेकिन आपके मुंह पे एक रौनक दिख रही है और आप आशा की बातें कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? उसने बोला, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। उस औरत ने बोला, मेरे बच्चे के लिए भी कुछ पे रही। जब वो प्रेयर कर रही थी, उस औरत को कौन याद आता है पता है? वही औरत जिसके घर ये जाती थी जादू टोना करने। फोन उठाती है, उसको कॉल करती है, बोला, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कि आप एक बार हॉस्पिटल आ सकते हैं? वो तुरंत बोली, आई विल कम। और इसने प्रेयर के लिए पूछा नहीं, उस औरत ने बोला, मैं खुद प्रेयर करने आ रही हूं। दौड़ के आई, शी केम टू द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटल में रुकी, बच्चे के लिए प्रेयर किया, बच्चे के लिए प्रेयर किया। नेक्स्ट डे आई, फिर प्रेयर किया। थर्ड डे आई, फिर प्रेयर किया। फोर्थ डे आई, फिर प्रेयर किया। फिफ्थ डे आई, फिर प्रेयर किया। परमेश्वर ने उस बच्चे को वेंटिलेटर से निकाला, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स को ठीक किया, उसके इंटेस्टाइन को ठीक किया। परमेश्वर ने धीरे धीरे उस बच्चे को पूरी तरीके से हील किया। वो बच्चा आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड और जनरल वार्ड से लेकर घर के अंदर पहुंच गया, और परमेश्वर ने उस बच्चे को पूरी तरीके से हील कर दिया। ये औरत जब घर पहुंची तो इसने उसी औरत को बुलाया और बोला कि आप मेरे घर पे जरा आओ करके। और वो घर पे आई तो ये औरत, जब वो औरत वहां बैठी थी, सीधा उसके घुटने पे गई और सीधा उसके पैर पकड़े और आंसू बहाकर बोलने लगी, मैं आपके घर पे आपको बर्बाद करने के लिए, मैं एक विच क्राफ्ट करने वाली औरत हूं, है ना, मैं बर्बाद करने आई थी, और मैं ये घमंडी थी कि आपको कुछ पता नहीं है। तो वो औरत हंसी, और उस औरत ने पता, जिस दिन तू पहली बार मेरे घर पे आने वाली थी, उससे एक दिन पहले मेरे मालिक ने दर्शन में मुझे कहा था, तेरे घर पे कोई आ रहा है। हालेलुया। और जो आ रहा है उसे यीशु की जरूरत है, तो उसका ख्याल रखना। ओह रब्बा कंदाला रब्बा। तो तू मुझे खाने में कुछ और दे रही थी, लेकिन मैं अंदर जाकर पानी में कुछ और कर तुझे आशीषित कर रही थी। हालेलुया। तेरे घर में शत्रु आए, तेरे घर में बैरी आए, तेरे घर में दुश्मन आए, थोड़ा पानी ले, थोड़ा खाना ले, आशीषित कर और दे डाल उसे, तेरा शत्रु तेरा मित्र बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। प्रचार सुनकर प्रभु को धन्यवाद, आई से मैं लास्ट में खाना वाना नहीं है, नहीं तो आधा अभिषेक तो भारी खूके चले जाते। खाना ऐसा है, लड्डू है ना, मोमोज ऐसे, कुछ नहीं है। प्रचार खत्म किया, सीधा घर गए, हाथ लिया अभिषेक वाला, जहां छूना छू लेना, जहां कहना है कह लेना, जहां बोलना है बोल देना। Let there be a change in the name of Jesus. जहां बदलावट होना है वहां बदलावट हो जाना चाहिए। बोलिए, पास्टर 5 मिनट और लीजिए, ठीक है। मैं नहीं जानता आप कौन है, आप ब्लैक शर्ट में, अगला ब्लैक शर्ट में, मैं नहीं जानता हम पहले मिले हैं, बात किया है, मैं नहीं जानता अंकल। Oh my God, rakhandala raba shekandale rebe yati rege sithala raba shatara bira dele raba rakhiyo thoro bo shekandale raba hati
एक रात को निकोडमस आई प्रेज़ द लॉर्ड खुदा के पास गया। उसकी बातों को समझने के लिए कोई और नहीं था, लेकिन निकोडमस की बातों को सिर्फ यीशु समझ सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, आज आप एक अंधेरे कमरे के प्रेज़ द लॉर्ड बिल्कुल कोने पे डसकर खुदा के सामने कई सवालों को लेकर आप पूछ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कह रहा हर सवाल का उत्तर आज इस प्रचार में परमेश्वर आपको दे रहा है। Praise the Lord, Ragabala Handala Rebe, Shatala Ribe, Radaga Handa, Riba Shadalaba, Randala Rebe, Hatal Taragam Shatalaba Ude Dire Radaga, Tere Kilaf Kadewe, Shatru Vitere Samne Tikani Paenge, Unkobi Permission Itna Takat Ne Dene Valahe, Praise the Lord, Unkobi Berioko Takar, Amen Niche Dalkar, Pandaroko Torkar Kuda, Praise the Lord, Terelie, Atmik Mandalome, Ajaratko, Ed. अद्भुत कार्य को परमेश्वर खोलने जा रहा है। ये परमेश्वर का वाणी है तेरे लिए। रबा शदाला रबा हंदले अब्बा शतीरे बेके चंदे राका जीसस। मिस्रेम की तीन ताकतें हैं, तीन ताकतें। आज जो तीन ताकतें आपको समझना है, इजिप्ट हैज थ्री पावर्स। पहला मिस्रेम, मिस्रेम का पहला ताकत है द फर्स्ट पावर ऑफ इजिप्ट। वो एक ही पाप को बार बार करवाता है। आप निकल गए हो लेकिन वापस उसमें चले जाते हो। शराब छोड़ दिया वापस उसमें चले गए। व्यभिचार छोड़ दिया लेकिन वापस उसमें चले गए। झूठ छोड़ दिया लेकिन वापस उसमें चले गए। प्रार्थना कर रहे हो लेकिन वापस छूट गया। उपवास करते थे लेकिन वापस छूट गया। आराधना करते थे लेकिन वापस छूट गया। बाइबल पढ़ते थे लेकिन वापस छूट गया। किसी के साथ ऐसा हुआ है? आपने निर्णय लिए पर कर नहीं पा रहे हो। छोड़ दिया है पर फिर से गिर रहे हो। कोई है इस चर्च में आमीन जो करते हो लेकिन करने हो नहीं पा रहे, बार बार गिर जाते हो उसके अंदर। मिस्रेम का ताकत ही है, बार बार उसी चीज के अंदर गिराता रहेगा, बार बार वही क्लेश लेकर आता रहेगा, बार बार वही तंगी लाएगा, बार बार वही कठिनाई लाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है, I am releasing it in the name of Jesus। परमेश्वर ने कहा, मिस्रीम का सारा ताकत तुम्हारे जीवन में टूटने वाला है। आमीन। जितने भी पाप बार बार हो रहे हैं, परमेश्वर कहता आज उसका दी एंड कर देना है, दी एंड कर देना है। अगर प्रार्थना नहीं हो रहा, आज एक निर्णय, खुदा अब नहीं होगा। वो एक साइकिल में वापस लेके जाता है। यही मिस्रेम का प्रॉब्लम है, रेपिटेटिव है। पाप रेपिटेटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं आप निकलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं आपके अंदर इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान नहीं हो, लेकिन तब भी बार बार गिर जाते हो। परमेश्वर कहता है मिस्रेम का यह अधिकार परमेश्वर छीन कर निकालने वाला है। हालेलुया। तुझे कमजोर कहने वालों के सामने खुदा तुझे बलवंत बनाने जा रहा है। शैतान को एक ताकतवर बच्चा उठकर खड़ा होने जा रहा है, एक ताकतवर बच्चा। शैतान को लगता है वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। The devil feels that he can do anything with you। उसको लगता है पहले भी मैंने इसे गिराया है, अब फिर से गिरा दूंगा। परमेश्वर कहता है आपको फिर से नहीं गिरा पाएगा, फिर से नहीं गिरा पाएगा, फिर से नहीं गिरा पाएगा, फिर से नहीं गिरा पाएगा। बहुत दूर से आई हो ना, फिर से नहीं गिरा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक उत्तर चाहिए था ना, फिर से नहीं गिरा पाएगा। फिर से नहीं गिरा पाएगा। दूर देश से आने वाली तेरे लिए परमेश्वर काम करेगा। परेशान तुझसे ज्यादा तेरी माँ है, अबाशे थेले रे बेहान दे। परेशान तुझसे ज्यादा तेरा परिवार है। परमेश्वर कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, उनको बोल परेशानी खत्म, जीसस इज इनफ। तू यीशु को लेके आ जा रही, अबाशे तेरी भी खान दला रबाशे केंदले रे बेके। सो चर्च रेपिटेटिव सिंस आज खत्म हो जाने। शैतान को बोले एक नया बच्चा उठ खड़ा हो गया है। Come on, church, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए एक नया बच्चा उठ खड़ा हो गया है। चर्च बोलिए जरा, एक नया बच्चा उठ खड़ा हो गया है। और आप अभी भी बैठे हो। हालेलुया। एक नया बच्चा उठ खड़ा हो गया है। हाँ, यस 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 यस। यही प्रॉब्लम है कुछ लोगों की, बैठ के ही आराधना करेंगे। उतरेगा तो अभी उतर। हालेलुया। गोलियात के सामने जब दाऊद खड़ा हुआ था, दाऊद ने ये नहीं देखा प्रेज़ द लॉर्ड गोलियात का हाइट क्या है। दाऊद को पता था परमेश्वर का हाइट क्या है। हालेलुया। जितने लोग तुझे शैतान के हाइट दिखाकर डरा रहे हैं, उन्हें जरा कहे मुझे मेरे खुदा के हाइट का पता है। मुझे पता है वो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना महान, कितना गहरा मेरा परमेश्वर है। मुझे पता है। मेरे पास चार मिनट रह गया, बैठिए। हालेलुया। चर्च आपको वचन समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। दूसरा मिस्रीम का
जो दूसरा मैं बस सारे जितने भी इसके पॉइंट्स है वो मैं आपको दे दूंगा, मैं बस खत्म करना चाहता हूँ इसके लिए। पहला रेपिटेटिव, कोई भी चीज बार बार आपको उसी में गिराते रहेगा। मैं आपको कुछ बोलूं, आप मसीह में रहकर आप डिप्रेशन में नहीं रह सकते, आप मसीह में रहकर आप उदास नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर को आपको उदास ही रखना था, परमेश्वर आपको दांत नहीं देता और मुझे महिमा नहीं देता। परमेश्वर नहीं चाहता आप उदास रहो। कुछ लोग डिप्रेस्ड है अपनी कंडीशन को देखकर, वो इसके लिए क्योंकि वो यीशु को नहीं देख पा रहे। आप बार बार अपनी परिस्थिति को देख रहे हो, आपको थोड़ा नजर हटाना है और यीशु को देखना है। Can we have that slide? यीशुआ का अब आप जरा look at Jesus. जब आप यीशु को देखते हो आपको उदासी फील होती है, क्या फील होता है? हाँ। है ना, होता है कि नहीं? मेरा खुदा है। आपको पता है, आपको पता है सुंदरता के लिए आज बड़े बड़े कंपनीज हैं, नाम मुझे सारे नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है पर क्या करोगे नाम जान के। लोग लगाते हैं ना सुंदर लगने के लिए, पीपल वॉन्ट लुक गुड, और उसमें कुछ गलत नहीं, आप लगाओ बहुत अच्छी बात। पर आपने यीशु को देखा, उसके सर में मुकुट है, ताज नहीं है मुकुट है। कौन सा मुकुट है आपको बताए? काटवा। और तब भी हम क्या गा रहे बताए? मेरा खुदा है सबसे सुंदर, 10,000 उसके हाथों में छेद है, पैरों में छेद है, चमड़ा उधेड़ दिया गया है, चेहरा बिगाड़ दिया गया है, इतना बिगाड़ दिया गया कि शिष्य उसे देखकर पहचान नहीं पाए, आंखें सूजी हुई, होठ फटे हुए, बाल नोचे गए, दाढ़ियों को निकाल दिया गया, चेहरा सूजा हुआ, शरीर का कोई अंग नहीं जिसके अंदर मांस में चोट ना लगी हो, कुछ तो मांस उधेड़ दी भी दिए गए, लेकिन तब भी हम क्या गाते हैं पता है? मेरा खुदा सबसे सुंदर, 10,000 कहिए मेरा खुदा सबसे सुंदर, 10,000 जब आप यीशु को देखते हैं, वो झुकी हुई आंखें, वो क्रूस पे लटका हुआ उसका शरीर इस चीज को बयान करता है कि तेरे सारे डिप्रेशन को, तेरे सारे एंजाइटी को, तेरे सारे डाउट को, तेरी सारी निराशा को क्रूस के ऊपर उसने ले लिया है, ताकि तू निराशा में और एंजाइटी में और डाउट में ना रहे, पर तू खुशी में, आनंद में, परमेश्वर की महिमा में रह सके। इसके लिए उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। मिस्रेम का जीवन आपको निराशा में रखेगा, मिस्रेम का जीवन आपको तन्हाई में रखेगा। वो एक बंधन है, दुष्टात्मा है जो आपको डिप्रेशन देता है, दुष्टात्मा है जो आपको एंजाइटी करता है, दुष्टात्मा है जो आपके अंदर बार बार डाउट ले आता है, दुष्टात्मा है जो कलेश ले आता है, दुष्टात्मा है जो जो हमें हमारे रिश्तों को टिकने नहीं देता, दुष्टात्मा है। क्या चाहते हैं आज उसे छोड़ना, ये घर जाके फिर से लड़ना? कैसे रहना चाहते हैं, एंजाइटी में, उदास, या फिर आप आज यहां से जाते जाते सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी बदलते हुए? And that is what God wants to give you. Hope, बोले आशा, बोले होप, बोले आशा, परमेश्वर आपको देना चाहता है, यही परमेश्वर आपको देना चाहता है। तीसरा और आखिरी, मिस्रिम की आत्मा का तीसरा सबसे बड़ा ताकत आप जानते गए, पॉवर्टी, तंगाली, बढ़ने नहीं देगा मिस्रिम। मिस्रिम बस उसी लेवल पे आपको टिकाएगा, कभी आपको संतुष्ट रहने
नहीं रहेगा. God is a God who contents you. अच्छा परमेश्वर, खाना खाने के बाद तृप्त होते हैं ना, उतना ही पैसा जरूरी है. ज्यादा रख के आप करोगे क्या? खाना तो उतना ही होगा ना. तृप्त करने वाला परमेश्वर, एल शदाए परमेश्वर, आदोनाए परमेश्वर, यहोवा इरे परमेश्वर, चंगा करने वाला, उद्धार देने वाला, मेरा शम्मा, मेरे साथ रहने वाला, वो आपको कंटेंट रखना चाहता है. पर शैतान नहीं चाहता आप कंटेंट रहो. शैतान नहीं चाहता आप उठो, शैतान नहीं चाहता आप बढ़ो, शैतान नहीं चाहता आप अगले लेवल पे जाओ, शैतान नहीं चाहता आपको प्रमोशन हो, शैतान नहीं चाहता आप. कई लोग ये सोचते हैं कि वो वेटिंग पीरियड में, कई लोगों को ये पता ही नहीं है वो वेटिंग पीरियड में नहीं है, वो बंधनों में. हाँ, वेटिंग पीरियड और बंधन में सिर्फ एक लाइन की, अगर आपने गलत समझ गया तो वो वेटिंग पीरियड में चला जाएगा. यीशु ने 30 साल वेट किया, पर उसके बाद कोई उसे वेट करवा नहीं पाया. हालेलुया. पिछले 2000 साल से यीशु वेट नहीं कर रहा, आज भी यहां पे भी मौजूद है, और कहीं और अगर आराधना चल रहा है तो वहां पे भी मौजूद है, क्योंकि वो वेट नहीं कर रहा है. जब आपके खुदा का रुतबा इतना बड़ा है तो उसके बेटे और बेटी का रुतबा कितना बड़ा होना चाहिए. चर्च, हमारे पास तकरीबन 27 डेज रह गए, बोलिए 27 दिन. 27 डेज बाद इस चर्च के अंदर सारे हॉल में, क्योंकि एक आराधना में तो आएंगे लेकिन सारे हॉल्स में, आई मीन 31st नाइट को हम मिलने जा रहे हैं. हर साल का थीम मेरे फादर मुझे देते हैं. मेरे फादर ने जब इस साल थीम दिया तब मेरे फादर ने बोला सुपर नेचुरल इंक्रीज. परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया ऐड करने के लिए, बोला हेवनली इसमें जोड़ना है. कि मेरे फादर ने मुझे वो थीम दिया, मैंने तहे दिल से विश्वास किया, खुदा देने वाला झूठ नहीं बोलता. आप आईसीएम में ऑनलाइन जुड़ते हो, आप आईसीएम में ऑफलाइन जुड़ते हो, आप आईसीएम हो, हम एक परिवार है, विदाउट अ डाउट पार्ट ऑफ द किंगडम. अगर आपको इंक्रीज नहीं मिला, 27 दिन है प्रथम तेरे पास, 27 दिन, 27 डेज है आपके पास इस वायदे को प्राप्त करने के. सुजु ब्रदर यू हैव 20, रिया सिस्टर आपके पास 27 डेज रह गए, 27 दिन. सोनिया सिस्टर 27 दिन रह गए, वेटिंग नहीं है, 27 दिन रह गए. 27 डेज इसराइल आपके पास, 27 डेज, 27 दिन में परमेश्वर से बोलो आई नीड अ हेवनली इंक्रीज. ये इंक्रीज ऑफिस से नहीं आएगा, ये इंक्रीज लोगों से नहीं आएगा, ये इंक्रीज खुदा देगा आपको. इट हैज टू बी गॉड. 27 दिन, इस 27 दिन में हमारे फास्टिंग प्रेयर्स भी है, इस 27 दिन में हम पूरे देश में घूम के आमीन प्रेयर कर रहे हैं, इस 27 दिन में हम पूरे देश में कैरल्स भी कर रहे हैं, इस 27 दिन में आमीन हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके उसके जन्म होने के लिए हम उसका जश्न भी मना रहे हैं. लेकिन इस 27 दिन में इन सब के बीच में मेरा प्रार्थना ये है, पिछले 300 दिन 10 दिन 20 दिन 40 दिन जिस खुदा की सेवा तूने की है, उस खुदा से अगले 27 दिन के अंदर परमेश्वर तुझे एक सुपर नेचुरल हेवनली इंक्रीज को परमेश्वर तुझे दे, ताकि जब तू 31 तारीख को तू खड़ा हो तो धन्यवाद के अलावा आमीन आश्चर्य कर्म के अलावा तेरे मुंह में और कोई शब्द ना हो, वैसा परमेश्वर तुझे आशीषित करे. एक आखिरी पॉइंट और बोल दूं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा. कभी सोचा आपने अब्राहम से, याकूब से और इसहाक से बेहतर जोसेफ था? पर नाम क्या आता है? अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा. जोसेफ का क्यों नहीं? जोसेफ जबरदस्त लीडर था, जोसेफ एक जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे, जोसेफ एक जबरदस्त भाई थे, जोसेफ एक जबरदस्त बेटे थे, पर जोसेफ एक जबरदस्त पिता नहीं था. जोसेफ के बाद आने वाली पीढ़ी खुदा को भूल गई. जोसेफ के बाद आने वाली पीढ़ी खुदा को भूल गई. थियोलॉजियंस बताते हैं
that for the next 50 to 100 years, Israel forgot their God. वो अन्य जातियों के चीजों में घुल मिल गए और इस कारण उनका अगला 300 साल का पीढ़ी बंधुआई में रहा। अगर आज मुझे कोई मां बाप सुन रहे, कोई जवान सुन रहा है, कोई बेटा या बेटी सुन रहा है, मैं आपसे बस एक ही चीज चाहता हूं, जब आप इस चर्च से जाए, जो सत्य आपने जाना है वो अगली पीढ़ी को देना भी और उसमें उन्हें लेकर चलना भी। नहीं तो जो जोसेफ ने और उनकी पीढ़ियों, जोसेफ की बात की जो पीढ़ियों ने गलतियां की, वो गलतियां हमारी पीढ़ियों के साथ होगा। जेनरेशंस आपके बेटे आपकी बेटी परमेश्वर को जानने हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपके बच्चे कुछ थोड़ा कम भी कमाते हैं, बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपके बच्चे खुदा को जानते तो उससे बेहतर चीज इस दुनिया में और कुछ नहीं। मैं बहुत सोचा, मैं बहुत बोला, मैं परमेश्वर जोसेफ जोसेफ है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरे साथ है सदा, पर जोसेफ का क्यों नहीं? क्योंकि जोसेफ 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 तेरे बाद की पीढ़ी खुदा से दूर चली गई, अन्य जातियों में जुड़ गई। Christian life is not a life where you mingle and twinkle and join and it is a life of separation. It is a life of separation. Hallelujah. आपका मुख्य लक्ष्य मिस्रियों का यही है कि आपकी पीढ़ी को खुदा से हटा दें। आज आप एक निर्णय लेना कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा पीढ़ी, मैं, मेरा घर, घराना सारा यहोवा को धन्य करे। मुझे पसंद है जो जोशुआ ने कहा, मैं, मेरा घर, घराना सारा यहोवा को धन्य करे। जोशुआ ने कहा, मुझे प्रॉपर्टी बड़ी नहीं मिली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे ज्यादा मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, कालेब जितना बड़ा माउंटेन मुझे मिला या नहीं मिला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं खुदा से कहता हूं, जितना तूने दिया उसके बदले मैं तुझे वापस देता हूं। मैं, मेरा घर, घराना सारा यहोवा को धन्य। आज चर्च में कितने लोग कह सकते हैं एक निर्णय लेते हुए, everyone, thank you for joining us back again in our online service. I hope you all enjoyed today's worship and are blessed by the powerful sermon of God. Now it is the offering time. It is a free will offering. If you are willing to give the offering, you can send it to the bank details provided on the screen, or you can use the QR code and send. Let's look to God in prayer for the offering. You can pray it from your respective place by kneeling down or by raising your hand, or and along with that, you can even pray for your respective prayer points. Let's look to God in prayer. Hallelujah, Lord Jesus. Father, thank you so much once again for this beautiful day. Thank you for giving us this beautiful word of God, Lord Jesus, Father. Thank you, Father, Lord Jesus. Father, I just pray for the offering, Lord Jesus, at this moment, Lord Jesus. Those who are willing to give the offering, Almighty Father, I pray for them, Almighty Lord Jesus. Father, use this offering for your kingdom, Almighty Lord Jesus. Lord, let you use this offering for the extension of your kingdom, Father, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you bless all the person who are giving the offering willingly, Lord Jesus, from their heart, Almighty Lord Jesus. I also pray for all the prayer points that they have in their individual life, Lord Jesus. You know the prayer point, Almighty Father. I submit all the prayer points in your hand, Lord Jesus. Let you answer their prayers, Lord Jesus. Let they grow stronger and stronger more in you, Lord Jesus. Thank you for this beautiful time. Thank you for sharing our prayers, Lord. In Jesus' most precious and mighty name of Christ, I pray. Amen. Thank you so much. Shalom. जय मसीह की सभी को। मेरा नाम प्रवीण है। मेरा नाम नताशा है। और हम लोग बैंगलोर से हैं
और आईसीएम कलीसिया में ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जुड़ते हैं और जब भी मौका मिलता है दिल्ली में भी आते हैं। और इस सुंदर मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके समुख ये छोटी सी दवाई हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने आईसीएम के द्वारा किया है वो आपके सामने बांट सके। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग वचनों को रोज पढ़ते हैं, बट जो हर एक वचन की जो गहराई है उस गहराई को समझने का एक सुंदर तरीके से और सिंपल से वर्ड्स में जो सीखने का हमें एक मौका मिला पास्टर अरुण के द्वारा, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसी वचन को जिस तरीके से हमने सीखा उसी सरल तरीके से दूसरे लोगों के साथ हमें बांटने का एक मौका मिला, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और बीते दिनों जितनी भी गवाहियां हमने आईसीएम चर्च की सुनी कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से लोगों को आशीषित किया, इतनी विषम परिस्थितियों में भी साथ दिया, इतनी सारी समस्याएं तो आई जहां पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लोगों ने जवाब दे दिया, परिस्थितियां इतनी विषम थी लेकिन फिर भी सारे परिवारजनों ने हिम्मत नहीं हारी, सब एकाग्र हुए, उपास लेके हम सब ने प्रार्थना करी और हमने देखा कि प्रभु कितना समर्थशाली तरीके से सबके जिंदगी में सारे काम हुए। और जब भी हम भी कोई समस्याओं से घिरे होते हैं हम उन गवाहियों को याद करते हैं कि कैसे प्रभु ने तब भी उन लोगों की सहायता करी, उन परिवारों की सहायता करी और वो अगर उनके साथ है तो वो हमारे साथ भी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमने हमारे जीवन में सीखा कि पवित्र आत्मा का एक सहभागिता हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करना है और हमें एक पवित्र आत्मा के हाथों में कैसे सौंपना है, हम पवित्र आत्मा से बात कैसे करना है, वो सब जो हमने सीखा पास्टर अरुण के द्वारा हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे जीवन में जो कार्य अभी भी कर रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमेश्वर का और पूरे आईसीएम कलीसिया का कि हमें इस मौका मिला कि बाइबल के वचन को हम सीख पाए और हमारे जीवन में उसको ग्रहण कर पाए, पवित्र आत्मा से भी बहुत कुछ सीख पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और इस सुंदर मौके के लिए एक और बार पास्टर अरुण को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी की और आईसीएम चर्च के सारे मेंबर्स को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है, दो दिन पहले मैं घर में ऐसे मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट कर जस्ट फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाकर मैं देख रही थी तो ऐसे मैंने फेसबुक पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने रीनहार्ड बोंके के बारे में बोल रहे थे तो मैंने उसको अचानक जैसे सुना तो उनके बारे में सुनते सुनते मैं एकदम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा से भर गई और मैं उसी वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मुझे अभी प्रेयर करनी है तो मैं उनकी टेस्टिमनी सुनते सुनते पवित्र आत्मा से इतनी तरह पूरी तरह से संपूर्ण तरह से भर गई और भरकर मैं बेड पर बैठकर इतने होली लैंग्वेज में प्रार्थना करने लग गई। सबको जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरे मन में इतनी खुशी हो रही थी और मेरे को उसी टाइम पर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे रीनहार्ड बोंके उन जवानों को जैसे प्रेरित कर रहे थे कि प्रेरित करना चाहते थे या उनको जैसे विजन था कि नौजवानों को उन्होंने सुसमाचार सुनाना है तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इसी प्रकार पास्टर अरुल जो हैं वो भी नौजवानों को मैसेज दे रहे हैं तो मुझे इतना ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि अपने आप को देखो और प्रार्थना में बढ़ो। और मैं उस दिन से मेरे मन में इतनी ज़्यादा उत्सुकता है होली स्पिरिट के लिए और प्रेयर करने के लिए और मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और मेरी गवाही है कि मुझे उसी वक्त क्लिप देखते देखते टाइम में होली स्पिरिट से भर गई। मैं हैरान थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ज़्यादातर प्रेयर नहीं कर पाती लेकिन हाँ इतना है कि जब भी मैं घर से बाहर अपनी ड्यूटी पर जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के पीछे बैठी बाइक पर सिर्फ मसीही गाने और वर्शिप करती और प्रेयर करती और लहू की तारीफ़ करती जाती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों से। और मैं चाहती हूँ कि
पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करें और मेरे को, मैं आईसीएम चर्च के साथ जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पास्टर थॉमस जॉर्ज एंड सिस्टर लिजी थॉमस. Good morning. I, Shubhranshu, in the name of Lord, want to congratulate all of us for the inauguration of new praying place. Starting with my present life, I am sharing my celebration of 25th marriage anniversary at home. This I am sharing with you to make you know about my present situation, that is, my revival from the illness which I was facing for last 4 years. I was suffering from chronic liver disease and was in my last phase to get immediate liver transplant, and that too by the end of 2023. I tried to meet Pastor George and Sister Liz Thomas for a long time but never got the opportunity to meet them. Lord graced the opportunity to meet them with the help of Miss Steffi Samuel. I thank her from the core of my heart for the help she provided to me. I want to disclose that God does miracles which happened to me. Before I met Pastor, my bilirubin was too high, my hemoglobin and platelet count were too low to survive a healthy life. I got only 2 prayer meetings before transplant and 3 parameters were drastically changed. The miracle started on account of the non-stop prayer by Pastor and Madam, and I realized that I should had met these angels earlier. They are there for the betterment of all human beings, no matter which religion they belong to. It was my fate that I got the opportunity too late to meet them before the transplant. I believe that my liver transplant could have been waived off if I had met them earlier. Being a medical associate for last 24 years, I knew that these changes couldn't be done with just medicine. I believed that the Lord was with me all the time, and I felt the aura around me which helped me recover so fast. Before ending, I want to convey a godly exercise done by my son, Shreyo, who has donated his 60% liver to me for a second life at the tender age of 21 years. I thank my son for his sacrifice, and he has recovered well with the help of God's grace. Amen. हमारी बेटी धारीवाल क्लीसिया की तरफ से पास्टर अरुण और आईसीएम पूरी क्लीसिया को आज उनकी न्यू चर्च ओपनिंग के लिए बहुत बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं. परमेश्वर आईसीएम क्लीसिया सेवकाई को बहुत सारी आशीष दे. कांग्रेचुलेशन.